वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डी आर माधव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं प्रसेंजीत बाग जी, इनका नाम है, और ये अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग डरते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने से, न्यू लोग तो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने से पहले कभी ट्रेडिंग नहीं की थी, बोला एक दो बार की थी बस, लेकिन अभी इनका क्या कंडीशन है, किस तरीके से कर रहे हैं, ये आपके सामने सेल्फ बताएंगे, जैसे कि हम इंटरव्यू लाते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के, ठीक है, ताकि आपको लोग आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले और एक पॉजिटिव थॉट आए ट्रेडिंग को लेकर के। जो भी अपने समाज में गलत धारणाएं हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो, ये हमें बताना चाह रहे थे अपना अनुभव, तो मैंने कहा चलो इसको तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ठीक है, तो प्रसन्न जी, सबसे पहले आप ये बताइए आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और हमारे साथ कैसे आए, क्या नाम है आपका, ये सब चीज़ें बताइए हमारे व्यूवर्स को, ताकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक। मेरा नाम प्रसेंजीत बाघ है। हाँ ठीक, पश्चिम बंगाल से, बांकुड़ा जिला से हूँ मैं। अच्छा पश्चिम बंगाल से हो, और हाँ, अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका, प्रसेंजीत बाघ, करते प्रसेंजीत बाघ। क्या हो आप ऐसे, इसकी ट्रेडिंग के अलावा हम क्या तो करते हो ट्रेडिंग आप। के अलावा हम टीचर भी, टीचर का काम करते हैं। सरकारी टीचर हो क्या, हाँ, गवर्नमेंट टीचर। अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो जो टीचिंग करते हुए ट्रेडिंग करते कर लेते हो आप, कितने बजे करते हो। टीचिंग जब से 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हाँ होता है तो हाँ 10 बजे के अंदर ही काम कर लेता हूँ सारे। 10 बजे तक आप कर लेते हो, बहुत अच्छे, मार्केट सुबह ही मूव देता है, सही जो तरीका है ट्रेडिंग हाँ करने का, सुबह सवान होकर से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक प्रॉफिट बनाओ और निकलो, उसके बाद मार्केट फिर तो लग रहे हो तो फिर लॉस हो जाता है। तो उसके बाद आप हाँ ट्रेडिंग करने चले जाते हैं अपना स्कूल वगैरह जहाँ भी, आप अच्छा तो हमसे जुड़ने से पहले आप कितनी ट्रेडिंग करते थे, कहाँ मतलब किया था आपने कुछ ट्रेडिंग वगैरह। एक दो किया था दोस्तों के सहारे, लेकिन वो ट्रेड नहीं है, वो तुक्का मारने की बात है। का मारने और की, डर भी लगता। डर लगता हाँ था क्या, फिर क्या किया हाँ आपने, फिर वो छोड़ हाँ, दी। दोस्तों ने कह दिया तो उसके उसके सहारे लिया तो डर लगेगा ही। हाँ अच्छा तो मतलब विदाउट लर्निंग के आपको डर लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब आपका कहने का ये। तो एक दो बार ही आपने ट्रेडिंग किया, उसके बाद फिर आपने क्या किया डर डर को खत्म करने के लिए। एक यूट्यूब में आपका वीडियो देखा तो उसके बाद 2-7-8 दिन देखा मैंने, सारे वीडियो सारे अच्छा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद सोचा मैंने आपने लर्निंग का ट्रेनिंग डिसीजन लिया, करनी है। हाँ ठीक है, तो लर्निंग आपके लिए, फिर आप आगे चलो। आपने ये देखो, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें इस बात को नोट करना चाहिए कि ये बोल रहे हैं कि मैंने हमसे जुड़ने से पहले एक दो बार, दो तीन बार, 4 5 बार कर लिया होगा ट्रेडिंग, उसके बाद नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इन्हें लगा कि डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आदमी लॉस भी हो गया होगा, आई थिंक हम मानते हैं। तो इन्होंने लर्निंग का हाँ डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया। बेसिकली क्या होता है, लोग लर्निंग करने तब आते हैं जब लाखों का कैपिटल इस मार्केट में दे चुके होते हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, ये आपके लिए एक नोट करने वाली बात है कि जो भी बंदे इस नए मार्केट में आ रहे हैं, न्यू लोग, वो सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करें। पैसा है, डेफिनेटली है इस मार्केट में पैसा, लेकिन लर्निंग के बाद है। तो लर्निंग करने के बाद आपने फिर कॉन्फिडेंस आ गया ट्रेड लेने का। हाँ आप तो सारे दिन कॉन्फिडेंस के साथ ही ट्रेड लेता हूँ और प्रॉफिट भी अच्छा आती है। आज कितना किया प्रॉफिट आपने, आज तो 18,572 अच्छा आपने मेरे को ऐसा स्क्रीनशॉट कुछ। भेजा था, वही है कि हाँ 18,500 का, हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड। आज आज का मार्केट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब ऐसे ले रहा था ऊपर नीचे, फिर भी आपने कर लिया, बहुत अच्छी। सेटअप कैसा रहा, फिर क्या का सिखाते हैं हम, मतलब कोई इंडिकेटर वगैरह बताते हैं क्या, कोई बाय सेलिंग करने का कुछ ऐसा, क्या है नहीं कुछ क्या है नहीं, इसका, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस और बस, रेजिस्टेंस को काम। और कैंडल। हाँ कैंडल तो प्रसन्न जी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल तो दुनिया को बताएं यार, फिर लोग कहाँ लॉस कर रहे हैं कैसे, मतलब जैसे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल भी होता है तो उसको बारे में जानकारी लेना है। अच्छा कैंडल्स कैसे बाउंस और होती हैं, ये सारी चीजें हैं, हाँ कैंडल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो और चार्ट पैटर्न्स भी हमने कोई बताया क्या, जो जो लोग हाँ यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या याद करते हैं, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न कोई बताया हमने याद करने के लिए, नहीं, किसी की भी जरूरत है चार्ट पैटर्न याद करने की। चलो मेन बात पे आते हैं, आपने हमसे जुड़ने के बाद कितने दिन हो गए आपको जुड़े हुए हमसे, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया आपको हमसे जुड़े हुए, उससे पहले आपने दो तीन बार, 4 बार, एक आध बार और ट्रेड की होगी, उसके बाद आप लर्निंग करने आ गए, फिर आप हाँ प्रॉफिटेबल हो, चलो ये मेन मतलब प्रॉफिटेबल हो। हाँ तो हमारा कैपिटल का 50 50
55% तो हो गया। मतलब 55%? क्या मतलब, क्या कितना कैपिटल यूज किया था आपने शुरू में? हमने पहले 3 लाख का किया था, अभी अच्छा, तो पहले महीने में 1.5 लाख हो गया। पहले महीने में आपने 3 लाख यूज किया और 1.5 लाख बना लिया उससे, 50% बना लिया आपने। हाँ, बहुत अच्छे, ये तो काफी अच्छा आपने कर लिया, एक महीने में 50% रिटर्न। सुन लो, आप लोग क्या, आप लोगों को क्या लगता है कई बार कि एक महीने में ही पैसा डबल करना, नहीं एक दिन में पैसा डबल करना है, एक दिन में पैसा डबल करने के माइंडसेट से इस मार्केट में ट्रेडिंग मत करो। कितना टारगेट रहता है आपका, दिन में कितनी, मतलब कितनी ट्रेड करते हो? दिन में टारगेट रहता है 10-12 हो जाए तो निकल जाता हो, और पहले ही 10-12 से ज्यादा हो गया तो और भी अच्छा होता है। 10-12 हज़ार प्रॉफिट, हाँ उसके बाद निकल जाते हो, उससे पहले निकलेगे तो और जल्दी निकल जाओगे। हाँ 2-3 हज़ार में देखता हूँ, मार्केट सूटेबल लगता है तो और करता हूँ 5-7 के लिए, और नहीं लगता हूँ तो निकल जाता हूँ। तो जो नए लोग आते हैं, क्या लगता है वो कर सकते हैं इसमें ट्रेडिंग, सीख सकते हैं बिना ट्रेनिंग के नहीं कर सकते, बिना लर्निंग के? नहीं कर क्योंकि सकते। हाँ अच्छा, तो आपने शायद क्योंकि मेरे को बिना ट्रेडिंग के, तो देखो मैं बार बार बोलता हूँ कोई नहीं कर सकता, और बिना ट्रेडिंग, बिना लर्निंग के इसमें ट्रेडिंग करना ही मत। आपका पैसा जो होता है वो बहुत मेहनत का होता है, उसको बचा लेना, क्योंकि घबराहट में ज्यादा लॉस हो जाती है। घबराहट में कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखो जब तक, देखो आप लोगों को मैं बता दूं, इनके जरिए इन्होंने जैसे कि बोला मेरे को डर लगता था पहले, मैंने इन्होंने ट्रेडिंग की थी, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो फिर उन्होंने लर्निंग की, लर्निंग से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? क्योंकि हाँ आपके पास पता होगा, एक सेटअप होगा कि आप इस तरीके से यहाँ पर एंट्री लोगे तो प्रॉफिट बनेगा, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? लर्निंग से आता है, पैसे से नहीं आता। पैसा आप 10 लाख ले लो, लेके बैठ जाओ, 5 लाख लेके बैठ जाओ, सारा चला जाएगा इस मार्केट में पैसा। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, इन्होंने मेरे को प्रॉफिट भी शेयर किए थे अपने, अपना जो भी था इनका, मैं आपको दिखा था एक बार, इन्होंने ये शेयर किया है, ये आज ही किया आपने? आज का अच्छा देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनका, आप लोगों को लगता है कि यार वो तो दिखाया नहीं, कुछ लोग पहले कमेंट्स करते हैं कि इसका वो तो दिखाओ, क्या बोलते हैं इसको, पीएनएल। तो भाई ये है इनका पीएनएल, स्टॉक से एफएनओ, 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 एफएनओ से प्रॉफिट है सारे, ठीक है? मनी विड्रॉ किया उन्होंने 90 हज़ार का, विड्रॉ किया उन्होंने, फिर एफएनओ 36 हज़ार, 36 हज़ार का भी उन्होंने एक दिन प्रॉफिट बनाया है। फिर ये देखो एफएनओ का प्रॉफिट 14 हज़ार, एफएनओ का 17 हज़ार, एफएनओ का 6 हज़ार, एफएनओ का 3300, एफएनओ का 5 हज़ार, ये सारा इनका क्या है, इन्होंने मेरे को सेंड किया है। मैंने कहा ये आप एक बार बताओ मेरे को, ताकि लोगों को, कई बार कमेंट्स करते हैं कि ये ठीक है इंटरव्यू ला के बैठा दिया। और देखो आज का प्रॉफिट इनका 1805, 18,556 है। तो आप लोग कहते हैं कि इनका पीएनएल नहीं दिखाया, चलो पीएनएल देख लीजिए इनका, तो सब लोग, आपने देखा सब घर ग्रीन ही है इनका, तो लॉस नहीं होता कभी आपको, लॉस नहीं होता? कितने दिन लॉस हुआ होगा आपको? 3 दिन हो गया लॉस। 1.5 महीने में आपको 3 दिन लॉस हुआ बस? हाँ अच्छा, सेटअप कैसा काम करता है? सेटअप छोड़ो यार, मार्केट को सीख करके आप ये बताओ एक्यूरेट ट्रेड की जा सकती है? हाँ मार्केट को पहले समझना होगा, उसके बाद ही ट्रेड लेना होगा। अच्छा, तो सेटअप को आपने सीख लिया, समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। क्या है, आपने मुझसे कभी पूछा तो नहीं कोई डाउट वगैरह? नहीं, हम सारे मेरा कुछ डाउट भी रहता है पहले, किंतु 2-4 दिन जब क्लास ट्रेनिंग, ले लिया आपका जो आपने, ट्रेनिंग भी है क्लास अटेंड की अलग थी? से, वो अच्छा, तो क्लास ज्वाइन कर लिया, उसके बाद सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। क्लास में आया आपने कोई डाउट नहीं पूछा, मतलब और लोग पूछते हैं वहीं से क्लियर हो गया? हाँ अच्छा चलो अच्छा है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो आप सही कर रहे हो, नए थे आप, आपने पहली बार हमारे पास ही आए आप, मैं बता दूं आपको, देखो मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगा, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर बता दूं आप बहुत सही जगह आ गए। ये बात वैसे आपको बोलनी चाहिए, कोई आप लोग ये भी कहोगे कि मैं अपने मुंह से बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं, अच्छा ये मेरी नहीं है, ये हमारे स्टूडेंट्स का ही है। वो लोग ये कहते हैं कि सर जो आप कंटेंट दे रहे हो, और बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ है, अरे 1,000-1,500। अब कुछ लोग ये ज्ञान देने आएंगे, कमेंट्स करेंगे कि कोर्स बेचने आ गया, मुझसे मत सीखो। देखो मेरी बातों को समझा करो, मुझसे मत सीखो, कहीं से भी सीखो लेकिन सीखो इस मार्केट को, मैं क्लियरली बोलता हूँ, इस तरीके से कोई नहीं बोलता होगा, कहीं से भी सीखो लेकिन सीखो इस मार्केट के। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपके सामने ही बैठे हुए प्रसन्नजीत जी, अगर ये भी लगे रहते लॉस करने, इन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, इनसे हमें सीखने को क्या मिला? नए ट्रेडर्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नए बंदे आ रहे हैं उनको सबसे पहले लर्निंग का डिसीजन लेना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग करने का। इन्होंने लिया डिसीजन, लर्निंग की, इसके बाद प्रॉफिट में आ रहे। और एक चीज़ और,
आपने नोटिस की हो तो, ये टीचर हैं। मैंने इस मार्केट में जितना भी प्रॉफिटेबल बंदे देखे हैं वो पूरे दिन ट्रेड नहीं करते, 10 साढ़े 10 तक ट्रेड करते हैं, उसके बाद ये अपने स्कूल चले आते हैं। मार्केट में चाहे कुछ भी हो, चाहे आग लगे, चाहे गिरे, चाहे उठे, कुछ भी हो, तो इसलिए ये प्रॉफिटेबल है। तो इस चीज़ को और नोट कर लेना आप कि लर्निंग पहले करनी है और पूरे दिन ट्रेड नहीं करनी है, प्रॉफिट बनने के बाद बंद कर दो। ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपके पास जॉब है, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह प्रॉफिट बनाया शाम को देंगे उसको, प्रॉफिट वो भी बनाते हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रॉफिट बना लेते हैं लेकिन शाम को, सुबह प्रॉफिट बना लिया फिर दोपहर में लॉस कर लिया, शाम तक उसको रिकवर कर रहे हैं, मतलब अपने लिए काम नहीं करते, ब्रोकर के लिए काम करते। तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपके पास जॉब है, और आप लोग भी अगर फ्री हो तो पूरे दिन ट्रेड मत किया करो। तो प्रसन्न जी, चलो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बंगाल से हो प्रसन्न जी, आप टीचर भी हो, चलो टीचिंग के साथ साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रेडिंग हाँ, जुआ तो नहीं है? नहीं, बिना लोग तो यार समाज में कैसे फैला रखा है फिर ये लोगों ने जुआ ही। बिना लर्निंग के जुआ भी है। अच्छा ये मेरे मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी कभी और लॉस हो गया, उन्होंने हो गया होगा तो उन्होंने बोल दिया ये जुआ है यार, ऐसा हो हाँ सकता है। हाँ हाँ अब मान लीजिए प्रसन्न जी जी हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्या ये कभी कह सकते हैं जुआ है? कभी कह सकते हो आप? नहीं, बिना लर्निंग के जुआ भी है। हाँ, बिना लर्निंग के तो मेरे भाइयों सब चीज जुआ है, बिना लर्निंग के हर चीज जुआ है। बिना लर्निंग के आप बाइक चलाना, बाइक चलाओ आप बिना लर्निंग के, कोई भी बाइक पकड़ लो हाथ पैर तोड़ ताड़ के जिंदगी खत्म कर देगा, वो सबसे बड़ा जुआ हो गया। कोई भी काम करो बिना लर्निंग के जुआ है। तो एट द एंड ऑफ इट मार्केट में इसमें बात ये आती है निकल के कि हमें स्टार्टिंग फेज में ही लर्निंग का डिसीजन लेना चाहिए, और लोग उसी को ना करके वो क्या करते हैं, लोगों का प्रॉफिट देखते हैं, अरे इसका 1 लाख का प्रॉफिट है, 50 हज़ार का, हम भी करते हैं, कैपिटल ले आए और हो, ऐसा नहीं होता। कैपिटल तो बहुत सारा पैसा है लोगों के पास, लेकिन इस मार्केट से पैसा वही बना पाता है जो उस मार्केट को सीरियसली समझता है, लर्निंग करता है। तो वो ठीक है, चलो प्रसन्न जी जी आप लर्निंग करते रहिए और क्लास अटेंड करते रहा करो, आप आए नहीं बहुत दिनों से, हाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा क्लास में, ठीक है? हाँ और एक बात, और कुछ कहना चाहोगे इन लोगों को? सारे यूट्यूब में हम बहुत सारे वीडियो देखे, लेकिन इतने सस्ती लर्निंग का जो आपका सेटअप है वो कहीं नहीं मिलेगा, सस्ती सस्ती और प्राइस में, काम सस्ते प्राइस। हाँ तो मैं देखो इसको मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में कि मैं क्या कितना हाँ क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना जो बोल रहे हैं ना प्रसन्न जी, ये बात रियल है, लेकिन हाँ ये बात रियल है। तो इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि क्योंकि लोग लर्निंग करने नहीं आते, करने आगे नहीं आते, लर्निंग करने भी आगे आते हैं लेकिन बेचारे गलत जगह फंस जाते हैं, चीज़ें ऐसी दे देते हैं, कोई इंडिकेटर पकड़ा दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई स्कैनर पकड़ा गया, ऐसा नहीं होता। हम केवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं और कैंडल्स पे और मार्केट के बिहेवियर पे, ठीक है? तो आप भी कीजिए लर्निंग, कहीं से भी कीजिए, मुझसे मत कीजिए, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुझसे मत कीजिए, क्योंकि वो लोग कमेंट करने आएंगे कि कोर्स बेचने आ गया। मैं कोर्स नहीं बेच रहा, मैं केवल एक तरह को समझो 1000-1500 रुपये में एक तरीके की मैं इनडायरेक्टली एक हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, जो इस मार्केट में लूट मची रखी है ना, 20-20 हज़ार, 25-25, 33 हज़ार का कोर्स बेच रहे हैं और उसके बाद भी बेचारे मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि सर मैंने उतना 35 हज़ार का कोर्स लिया, इतना लिया और कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे पास आते हैं तो वो सेल्फ रिव्यू देते हैं कि सर ये चीज़ हमारे पैर, काश आप हमें पहले मिल जाते, तो वो चीज़ ये लोग सेल बोलते हैं। और एक बात है, मार्केट में एक और भी धंधा चलती है, व्हाट्सएप पे कॉल देना और पुट देना। मैं देता हूँ कॉल पर कभी कभी, इसकी चक्कर में बहुत पैसा गंवाते हैं, इस क्योंकि इस हमारे पास हाँ आते रहते दो हैं तीन कॉल आया था, व्हाट्सएप दो तीन कॉल में आते हैं। देते हैं वो लोग। अच्छा अरे आपके पास तो आते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि सर हम इतनी उससे ऐसे एजेंसी से बोल रहे हैं, पता नहीं क्या फर्म से बोल रहे हैं और हम कॉल पर प्रोवाइड करते हैं, मैं तुरंत फ़ोन काट देता हूँ उनको, तो कौन बहस करे। तो कॉल पुट्स अगर कोई बंदा इसके पीछे पड़ा हुआ है कॉल पुट्स के पीछे, तो कभी मत करना, किसी की भी कॉल पुट्स फॉलो मत करना, सेल्फ लर्निंग। अगर एक बात बता दूं, इस मार्केट से अगर पैसा बनाया जा सकता है तो सेल्फ लर्निंग करके, सेल्फ ट्रेडिंग करके ही बनाया जा सकता है बस। कॉल पुट्स तो अगर मैं भी दूं ना तो मेरे से भी आप पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी काम करती है। हाँ उसी जगह पर ट्रेड लेकर के मैं अपने पोर्टफोलियो में 5 हज़ार का लॉस देख सकता हूँ और आप 1 हज़ार का नहीं देख सकते, तो आप लॉस बुक करके निकल जाओगे, मैं होल्ड करूंगा, और लर्निंग कर रखी है तो मैं उसको होल्ड इसलिए करूंगा कि मेरे को पता है मार्केट ऊपर जाना ही है। तो मैं क्या समझे यहाँ पर,
मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दो चीजें काम करती हैं। उसी ट्रेड में से आप लॉस कर जाओगे, मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा उसी ट्रेड में से। आपने कई बार देखा होगा ऐसा कैसे होता है कि सर हमने यहाँ ट्रेड ली, मार्केट थोड़ा नीचे आया, हम निकल गए, फिर हम मार्केट ऊपर चला गया। वहां पर क्या था, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं थी, आपके सेटअप पे आपको अपनी लर्निंग पे भरोसा नहीं था, और आपकी मनी मैनेजमेंट रिस्क मनी मैनेजमेंट भी सही नहीं था। तो ये चीजें होती हैं। तो कॉल पुट्स तो कभी फॉलो मत करना, भले ही सामने वाला सही दे रहा हो तब भी आप लॉस कर जाओगे, कभी भी मत करना फॉलो। मैं सिर्फ एक रूल बोलता हूं, बस इस मार्केट से पैसा बना सकता है तो केवल सेल्फ लर्निंग करके और सेल्फ ट्रेडिंग करके, और कोई तरीका नहीं है इस मार्केट से पैसा बनाने का। ठीक है, तो जाओ जा करके टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अगर कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो जा करके उसको फॉलो कर लो, और ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां पर जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सीख जरूर लीजिएगा, कहीं से भी सीखो, कहीं से भी लेकिन सीखो। ठीक है प्रसन्न जी, आपने काफ़ी अच्छा प्रबंधन किया, मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आप इस मार्केट में सबसे पहले लर्निंग करने आ गए आप, वरना मेरे हाँ पास जो भी बंदा आता है, सर मुझे इतना लॉस हो हाँ गया, सर मुझे इतना लॉस हो गया, सर मुझे इतना, मैं पूछता हूँ उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन, यार तुम लोगों के पास पहले दिमाग में क्यों नहीं आता है कि इतना मेरे को लॉस हो रहा है, मैं पहले लर्निंग कर लूँ। सर हम सोचे कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, इस मार्केट में साइकोलॉजी रिवर्स काम करती है। लॉस होगा ना तो आपको ये लगेगा नहीं मैं कर लूंगा रिकवर, वहीं पर फंसते जाते हो। लेकिन आप उससे निकल आए, मार्केट की मार्केट बुलाती है ये लॉस होता है तो, लेकिन आप उससे निकल के लर्निंग करने आ गए, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है चलो, तो आज ड्यूटी है आप गए नहीं आज? ड्यूटी तो ड्यूटी से हम आकर बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ सरकारी टीचर हैं, सरकारी के तो चलो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा नहीं, हम आज थोड़ा काम पर था और इसलिए छुट्टी लेकर आ गया। अच्छा, चलो ठीक है, आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो ये चाहते हैं बस, देखो आप हमसे कोई बंदा जुड़ा हुआ है तो लर्निंग करे, कोई डाउट्स हो तो सारे क्लियर करते रहे। ठीक है, डाउट्स वगैरह क्लियर किए आते हैं हमारे पास, क्या है लोगों को यार ये दिक्कत है कि सर हाँ, हमारे ट्रेनिंग पास हमारे डाउट्स ही क्लियर होते, कहीं सीखते हैं तो। मैं तो अलग से डाउट्स के ऐसा बाद करता हूँ, मैं तो टेलीग्राम में शाम को हाँ, मैसेज डालता हूँ कि मैं बैठा हूँ सिस्टम पर, जिस किसी को कोई डाउट्स हो तो कॉल कर ले मेरे को। ट्रेनिंग के बाद इतना सपोर्ट और कहीं से मिलेगा भी नहीं। तो फिर उसका क्या फायदा हो ट्रेनिंग का, आप सपोर्ट नहीं मिला, मतलब ब्लैकबोर्ड क्या बोलते हैं पीछे से सपोर्ट नहीं मिला, डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो क्या फायदा उससे करने से। ठीक है चलो हाँ चलो ठीक है प्रसन्न जी, आपका भी टाइम हो गया, आपको भी काम होगा, तो मैं ठीक है। कंक्लूजन बता दूं, इस इंटरव्यू से आप लोगों को दो चीज़ें सीखने को मिली हैं, कि सबसे पहले लर्निंग के लिए आ गया हो इस मार्केट में अगर आए हो तो, और दूसरा इस मार्केट को जितना टाइम दो कम दोगे, ट्रेडिंग टाइम, लर्निंग टाइम नहीं, ट्रेडिंग करने का टाइम, उतने प्रॉफिटेबल रहोगे। दो ट्रेड में पैसा बना लिया बंद कर दो, तीन में बना लिया तो समझो फिर तो भूल ही जाओ कि मार्केट है इस दुनिया में, दूसरे दिन देखो। ठीक है चलो चलो ठीक है प्रसन्न जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने कुछ अपना धन्यवाद। अनुभव शेयर किया हमारे लोगों के साथ, आई होप आप लोगों को सीखने बुला हुआ। थैंक यू वॉचिंग।